शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार तो प्रबंध कर ही रही है। वहीं अब निजी संस्थाएं भी आगे आकर शासकीय स्कूलों में शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर सहयोग कर रही है। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा हासिल हो सके। दरअसल इंदौर की संस्था इंदौर मैजिस्ट्रिक राउंड टेबल 297 द्वारा सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम तैयार किए गए हैं। शासकीय बाल विनय मंदिर स्कूल में बनाए गए इस आधुनिक क्लासरूम में बैठकर बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे। मंगलवार को इन क्लासरूम का उद्घाटन किया, जहां इंदौर मैजिस्ट्रिक राउंड टेबल 297 के पदाधिकारियों सहित स्कूल विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। संस्था के चेयरमैन आकाश मोटवानी और मनोज घनौतिया का कहना है कि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को सर्वांगीण प्रशिक्षण प्रदान करके उसके व्यक्तित्व का विकास करना है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हाईटेक क्लासरूम तैयार किए गए हैं। इस तरह के क्लासरूम न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैयार किए जा रहे। किस तरह से कार्य करती है और आज किस तरह से जो है शिक्षा का आधुनिकीकरण के लिए आज यहाँ जो क्लासरूम तैयार किया। राउंड टेबल इंडिया, आपने नाम जैसे सुना होगा, राउंड टेबल इंडिया का मेन मोटो क्या है? राउंड टेबल इंडिया का मेन मोटो है भैया FTE। FTE का फुल फॉर्म होता है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन। फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंडर में राउंड टेबल इंडिया स्कूल ब्लॉक्स डेवलप करती है। पैन इंडिया ऑन एन एवरेज पर डे 1.5 क्लासरूम राउंड टेबल का टारगेट है। राउंड टेबल डेली 1.5 क्लासरूम्स बनाती है। PNG के माध्यम से और सेल्फ रेस फंड के माध्यम से ये सारे क्लासरूम्स बनाए जाते हैं। इसमें हमारे डोनर्स होते हैं, राउंड टेबल से फंड आता है जो PNG के थ्रू आता है। उसके अलावा हमारे डोनर्स होते हैं, जैसे हमारा ये स्कूल ब्लॉक जो आप हमारे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्कूल ब्लॉक बनाने के लिए हमारे मनोज धनोतिया जी हैं, इन्होंने हमारी हेल्प करी। ये हमारे टेबलर भी हैं और इनकी कंपनी है माइक्रो मिट्टी, उस कंपनी ने हमारे लिए बाकी का फाइनेंस, बाकी का सपोर्ट हमें पूरा दिया। मनोज भाई के कारण आज हम ये स्कूल बना पाए हैं। मेरे साथी हैं मनोज भाई, राउंड टेबल में मेरे साथ मेंबर हैं, और मेरे अलावा मेरे सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे एरिया चेयरमैन हैं, हमारे एरिया वाइस चेयरमैन हैं, मेरे सेक्रेटरी हैं, मेरे ट्रेजरार हैं, जिनके कारण ये क्लासरूम का ब्लॉक हम बना पाए हैं। और बच्चों के लिए हमारा एक ही विजन था मनोज भाई से। जिस दिन मैंने कहा कि मनोज भाई हमें क्लासरूम बनाना है, तो मनोज भाई ने कहा, आकाश भाई क्लासरूम बनाएंगे बट ऐसा बनाएंगे कि 50 साल तक स्कूल को कुछ नहीं होना चाहिए, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे कि किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगे। क्या व्यवस्था है अंदर? आप देखेंगे तो हर चीज़ प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लाइट हो या फैंस हो या एयर वेंटिलेशन को ध्यान में रख के उसमें बड़ी बड़ी विंडोज, क्लासरूम का साइज, वाटर कूलर्स। क्लासरूम के बाहर में हमने ये वाटर कूलर का इधर सिस्टम अरेंज किया हुआ है। तो हमने पूरा सिस्टम उस हिसाब से बनाया है कि हर प्राइवेट स्कूल में जो फैसिलिटी बच्चे को मिलती है वो गवर्नमेंट स्कूल में मिले। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो हमारा विजन भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। हमारे भाई मनोज जी और उनकी कंपनी माइक्रो मिट्टी इसमें बिलीव करती है। मनोज जी का आगे और हमारे को योगदान प्राप्त होगा, मनोज जी ने ऐसा कहा है। हम इसी क्लासरूम के ऊपर 4 क्लासरूम और बनाएंगे अगले साल और इसको हम पूरा ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। हमने इंदौर में देखा जाए तो हमने हातोद में लास्ट ईयर 4 क्लासरूम ब्लॉक बनाए थे, हातोद गवर्नमेंट स्कूल में। और इंदौर में विभिन्न राउंड टेबल्स ने करीब करीब 9 से 10 स्कूल बना रखे हैं। अभी कुछ स्कूल हमारे बाईपास पे जो सराउंडिंग गांव है, बाईपास के गांव में बन रहे हैं, अलग अलग गांवों में। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स अलग अलग उसमें काम करते रहते हैं। मेरा नाम आकाश मोटवानी है, मैं चेयरमैन हूँ इंदौर मजिस्टिक राउंड टेबल 297 का। स्कूल ब्लॉक बनाए गए हैं, इससे बच्चों को किस तरह से राहत मिलेगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, तो जो गरीब बच्चों से बच्चों को किस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, हमने यहाँ पे 4 क्लासरूम बनाए, हर क्लासरूम में 40 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं, तो करीबन 160 बच्चों के लिए हमने ये स्कूल ब्लॉक बनाया है। और इसके ऊपर चारों ब्लॉक्स बनाने की हमारी प्लानिंग है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसी हिसाब से बनाया है। माइक्रो मिट्टी का मैं फाउंडर हूँ और हम एक नेक्स्ट जनरेशन रियल इस्टेट प्रॉपटेक कंपनी ला रहे हैं, लेकिन उसमें हमने हमारा पहला विजन था कि हम जो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे पहला काम हम स्कूल का करेंगे। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट टीचर रहे हैं 20 साल तक, तो हमने आज उनका सपना पूरा कराया। और इसमें राउंड टेबल में आकाश जी, हिमांशु भाई, राउंड टेबल इंडिया, PNG शिक्षा मिशन जो है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आशा है कि हम ये 4 से 8, 8 से 16 कंटिन्यूसली स्कूल्स बनाते रहें। राउंड टेबल ऑलरेडी बहुत काम करता है, आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए स्कूल बनाना सबसे बेसिक एम्यूनिटी है, जिसका हमने यहाँ पे आज काम किया है। मनोज धनोतिया, फाउंडर माइक्रोमेटिक।